व्हाट्सअप गाइस, मैं वसीब और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्नूप। दोस्तों आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A40 की। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन कब, किस प्राइस में और किन स्पेसिफिकेशंस और किन फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A40 की। तो सबसे पहले इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन आपको 5.9 इंच डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें आपको बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, इसमें आपको 1080x2340 की इमेज रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी, 19.59 के एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगी, साथ ही आपको 409 की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर कौन सा यूज किया जाएगा, तो स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर यूज किया जाएगा वो किया जाएगा सैमसंग एक्सिनोस 7885 ऑक्टा को प्रोसेसर यूज किया जाएगा। इसके अलावा स्मार्टफोन की स्टोरेज की बात की जाए तो यहां आपको 4GB की रैम देखने को मिलेगी, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहां आपको 3100mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बैटरी है। इसके अलावा स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो यहां आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेंगे, एक आपको देखने को मिलेगा 16MP का, एक आपको देखने को मिलेगा 5MP का। अगर हम बात करें स्मार्टफोन के सेल्फी शूटर लेंस की तो यहां आपको 25MP का एक सेल्फी शूटर लेंस देखने को मिलेगा जिसमें आपको कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्मार्टफोन में जो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा वो स्मार्टफोन की बैक में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको IP67 की रेटिंग देखने को मिलेगी जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन फुल वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट प्रूफ होगा। स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट देखने को मिलेगी जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि मिड रेंज स्मार्टफोन में। इसके अलावा स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 9.5 वर्जन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्जन है और एंड्रॉइड की तरफ से एक लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे फीचर्स और बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा अच्छा डिजाइन और स्लिम डिजाइन देखने को मिलता है एक बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में। अगर हम स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो यह स्मार्टफोन 21,000 में लॉन्च किया जाएगा। तो स्मार्टफोन को अप्रैल में लॉन्च करेगा सैमसंग अपने एक इंटरनेशनल इवेंट में जो कि 10 अप्रैल को अरेंज किया गया है सैमसंग की तरफ से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूं इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।